सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अजमल और मैं हूँ फिलहाल जेएसडी हुंडई लखनऊ में, और यहाँ पे थी आज 6th जनरेशन हुंडई वर्ना की लॉन्चिंग। और देखिए, गाड़ी आप लोगों को सबसे पहले कैसी लगी आप लोग ये बताइए कमेंट करके, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो लोग हैं उनसे फीडबैक लूँगा कि भाई उन लोगों को गाड़ी कैसी लगी देखने में। तो सबसे पहले भाई थोड़ा सा इंटरेस्टेड लग रहा है, मैं पूछता हूँ उनसे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर, गाड़ी कैसी लगी? फोटो में देखी थी हमने भी, फर्स्ट टाइम वी आर व्यूइंग, एंड इट्स अ वेरी नाइस कार। पिछली वर्ना से एक तो देखिए जो फ्रंट लुक है ना, अमेजिंग, इट लुक्स एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक, एंड आई थिंक आगे वाले आने वाली कार भी ना इस डिजाइन को फॉलो करने वाली है। इट्स गोइंग टू बी अ लीडर इन द सेगमेंट, इट्स ऑलरेडी अ लीडर। एंड सबसे अच्छी बात ये कि इसका जो 1.5 टर्बो आया है, जी सो जनरली 1 लीटर में आता है टर्बो, 1.5 टर्बो इज लाइक रेसिंग कार, एंड यू वुड लाइक टू फाइंड अ प्लेस जहाँ पे इस गाड़ी को उठाकर आप एक्सेलरेट कर सकते हैं, एंड इट विल बी एक्सेलरेटिंग वंस यू ड्राइव। आपको इसका टेस्ट ड्राइव मिला अभी तक? नहीं, अभी नहीं। ट्राई टू टेस्ट ड्राइव इट, इट विल बी माइंड ब्लोइंग। एंड आई एम श्योर जो बहुत सारे कस्टमर जो सेडान को छोड़ चुके थे, एसयूवी के चक्कर में घूम रहे थे, वंस दे आर बैक ऑन द दिस कार। ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये अभी फिलहाल अगर कंपटीटर की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा पावरफुल गाड़ी इस टाइम पे, इस सेगमेंट की बात कर लें या वर्टस की बात कर लें या स्कोडा स्लाविया की बात कर लें, बहुत इट्स माइल्स अहेड एक्चुअली। एंड सबसे अच्छी बात मुझे लग रहा है कि ये लोगों को सेडान वाला जो पैशन है वापस लेके आएगी। जी जी, मुझे भी लगता है, मुझे भी बहुत ही प्यारी लगी वाकई में। और कुछ लोग यहाँ पे, मैं पूछता हूँ उन लोग, गाड़ी कैसी लगी आपको ये? बहुत प्यारी गाड़ी। क्या क्या कहना चाहिए इसके गाड़ी के बारे में? इसका फ्रंट लाइट्स डिज़ाइन फ्लूडिक डिज़ाइन, और जो इसमें पावर दे रखी है वो बहुत ज़बरदस्त है, DCT, एंड इंटीरियर्स इज वेरी गुड, ब्लैक एंड वाइट। मतलब कुल मिला जुला के वरना लवर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा है वरना की, हुंडई की तरफ से। ऑफकोर्स यस यस, वरना स्पोर्टी फील दिलाने के लिए एक वरना पहले भी अच्छी थी, अब और भी अच्छी होगी। जी जी जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। सो अगर बात करें इस गाड़ी की, तो ओवरऑल इस गाड़ी का लुक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है, और सेगमेंट की ये पहली ऐसी कार है जो जो है सबसे ज़्यादा लंबी है और सबसे ज़्यादा चौड़ी है। हाइट के मामले में जो पुरानी वरना थी उसी के जो है बेस पे है, हाइट में ज़्यादा कुछ जो है कमी बेशी नहीं की गई है। लेकिन अगर इस गाड़ी की बात करेंगे तो ओवरऑल फ्रंट की डिज़ाइनिंग देखिए कितनी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, कितनी ज़्यादा ऑसम लग रही है। और लुक की अगर बात करेंगे तो भाई बहुत ही कमाल का लुक, शार्पी एज, और देखिए इसकी ग्रिल देखिए कितनी प्यारी है, और फ्रंट में पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, भाई बहुत ही कमाल की है। कुछ लोग हुंडई के स्टाफ से ही पूछ लूँ मैं उन लोगों को कैसी लगी गाड़ी। सर सर आप बताइए कैसी लगी, क्योंकि आपको बेचना है इस गाड़ी। बहुत अच्छी, फैंटास्टिक, बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या क्या और क्या क्या चलते, एकदम प्रीमियम फील दे रही है गाड़ी, प्रीमियम है ना। सबसे पहली चीज़ कनेक्टेड हेडलैम्प्स हैं, एडास है, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है जी जी। वो उसके 7 स्पीकर सिस्टम है, टर्बो में जो पावर है 153 PS है, मतलब बिल्कुल इस बार धमाल करने वाली है 100%। अपने कॉम्पिटिटर्स का बिल्कुल बेहतरीन जवाब देने वाली 100%। सिटी ने बहुत समय जो है कंपटीशन में वरना के बोलते थे ना कि फेसलिफ्ट नहीं आ रहा, सामने कैमरा घुमा लीजिए सिटी वाले आए हुए हैं। अच्छा, मैं उनसे उनसे कुछ फीडबैक चाहिए था इस गाड़ी से रिलेटेड, क्या कहेंगे? अभी तो मैं देखने आया हूं, अभी देखता हूं। वैसे लुक वाइज फर्स्ट लुक आपको कैसा लगा देखने? ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं ना बहुत बुरा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है। अच्छा, अभी अगर इसके कंपटीटर्स की बात करें तो जैसे होंडा सिटी है, इस टाइप का तो नहीं है कोई, होंडा सिटी है, स्लाविया है, वर्टस है, इसका अलग लुक है, एकदम अलग है, अलग है। तो क्या कुछ आपने देखा नहीं अंदर जाके? अंदर अभी तो देखने आया हूं, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, देख के मुझे एक बार जरूर बताइएगा कि कैसी गाड़ी लगी। सो यहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने पॉजिटिव ही रिव्यू दिया है इस गाड़ी से रिलेटेड, क्योंकि इसका फ्रंट प्रोफाइल जो है ना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी में बदलाव की गई हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिखाने वाली हैं। मैं अभी इतनी लंबी है, इससे पहले मैं आता था जो है वीडियो शूट के लिए, इतनी लंबी है कि ये पीछे से कवर करना मुश्किल है, क्योंकि पीछे तक जा चुकी है गाड़ी, ये मतलब बहुत ही लंबी है। पिछली वाली वरना से ये 70 mm लंबी है, मतलब बहुत ही लंबी है। और टायर साइज़ की बात करेंगे तो ये 16 inch की टायर प्रोफाइल इस गाड़ी में लगे हुए हैं। तो यही था कुछ कस्टमर फीडबैक जो लोगों ने देखा और उनको कैसी लगी गाड़ी। तो मैं इसका डिटेल रिव्यू वीडियो एक अभी जो है उसको भी बना लूँगा, मैं उसको भी पोस्ट करूँगा। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये गाड़ी देखने में कैसी लगी आप लोगों को। यही था आज की वीडियो में, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी।